हेलो दोस्तों, मैं मोहित जैन। मेरे यूट्यूब चैनल मैं स्वयं मोहित जैन में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए बच्चों, जैसा कि आपको पता है, आज हमारी परसेंटेज की 9वीं क्लास है। ठीक है, हमने 8 क्लासें मैंने अपलोड कर दी हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखी हैं वो क्रम से 1, 2, 3, 4, 5 कंटिन्यू देखे। ठीक है, और मैं आपको गाइड भी देता हूँ, आपको परसेंटेज बहुत अच्छा समझ में आएगा। अभी तक आपने जितना लेवल नहीं पढ़ा है वो सारा जितना भी लेवल आपने देखा होगा उससे भी ऊपर का लेवल मैंने सीट के अंदर डाला हुआ है परसेंटेज का। वो आप पूरी सीट को एक बार देखें, सॉल्व करें। सारी वीडियो के अंदर मैंने एक एक करके आपको क्वेश्चन कराए हैं। देखिए बेटा, 1% की सीट मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है, अभी करा ही रहा हूँ, मतलब चल ही रही है आपकी। 2 दिन और लगेंगे, 2 क्लासें हो रहेंगी, 9 और 10, उसमें कंप्लीट हो जाएगी आपकी। उसके बाद बेटा, जैसे ही ये सीट कंप्लीट होती है तो फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे। धीरे 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 करके नेक्स्ट टॉपिक आपका चलता रहेगा। ठीक है, उसके अलावा मैं परसेंटेज की एक और सीट का आपको सॉल्यूशन कराऊंगा। उसमें लगभग 105 के लगभग क्वेश्चन है, वो भी अच्छे क्वेश्चन है, नए क्वेश्चन है। इनके अलावा 105 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, तो उनको भी हम हल करेंगे। उसके बाद परसेंटेज की जो सबसे हाई लेवल की सीट होगी, सबसे खतरनाक लेवल की, वो आपकी परसेंटेज की तीसरी सीट होगी, जिसके भी क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा हाई लेवल मिलेंगे, जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे। वो मेरे द्वारा बनाए हुए क्वेश्चन होंगे सारे के सारे। ठीक है, तो परसेंटेज की स्पेशल सीट होगी, उसमें लगभग मैं कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन आपको स्पेशल कराने वाला हूँ, जो आपके SSC CGL मेंस के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे 2022 के लिए, प्लस 2023 के प्री प्लस मेंस दोनों के लिए आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ज्यादा बातें ना करते हुए अपन अपने पॉइंट पर आते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हम इसके अंदर लगभग हमने 82 क्वेश्चन कर लिए हैं, और आज हमारी टाइप नंबर 9 चालू स्टार्ट होगी, और हम क्वेश्चन नंबर 83 से स्टार्ट करेंगे। देखिए, जो 83, 84, 85, 86, 83 से लेकर 89 तक जितने भी सवाल हैं वो चुनाव पर डिपेंड हैं। तो जैसा कि आप चुनाव में जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं थोड़ा सा आपको जानकारी चुनाव के बारे में देना चाहता हूँ, देन तब हम सवालों को करेंगे, तो आपको बहुत मजा आएगा सवाल करने में। जैसा होता गया है कि देखिए, मान लो आपका पूरा गाँव है, ठीक है, पूरा गांव में सरपंची के चुनाव चल रहे हैं। ठीक है, सरपंची के चुनाव चल रहे हैं, और वहां पर 2 बंदे खड़े हुए हैं। अब 2 बंदे खड़े हुए हैं तो आपको एक बात कॉमन सेंस है कि 2 उम्मीदवार अगर खड़े हुए हैं चुनाव सरपंच के लिए, तो एक जीतेगा और एक बेटा हारेगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, टोटल मतदाता कितने हैं, कुल मतदाता, अगर आपकी बात आती है कुल मतदाता कितने होते हैं, तो ध्यान रखना कुल मतदाता होते हैं 100%। अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल मतदाता कितने मानोगे, तो आप 100% मानोगे कि भाई गांव में टोटल वोट कितने हैं, 100% है। अब कई लोग ऐसे होंगे जो गांव के बाहर रहते हैं और वो वोट डालने नहीं आ पाते, किसी भी रीजन से नहीं आ पाते। ठीक है, विदेश में भी रहते हैं कहीं, कोई कहीं रहता है, तो सरपंच के चुनाव के लिए वो वोट डालने हैं वो नहीं आ पाते। अगर मान लो वोट डालने नहीं आए, मान लीजिए 10% लोग वोट डालने नहीं आए, तो वोट कितने डाले होंगे, तो आप कहोगे सर 90% वोट डाले होंगे, तो डाले गए वोट कितने हो जाएंगे उस टाइम, 90%। ठीक है, मैं अभी कोई क्वेश्चन नहीं समझा रहा, मैं एक बेसिक सी बात समझा रहा हूँ आपको कि 10% लोग हो सकता है वोट डालने ही नहीं पहुंचे। ठीक है, उनका नाम कितने का था, मतदाता सूची में 100% लोगों का नाम था, उसमें 10% लोग वोट डाले नहीं गए, तो वोट कितने डाले, 90% डाले। क्लियर है? अब इसके बाद देखिए बच्चों कि 90% आपके वोट डाले। अब इसमें से क्या होगा, कई वोट ऐसे होंगे जो इल्लीगल होंगे, इल्लीगल मतलब अवैध होंगे। अवैध मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। या फिर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी बोल सकता है कि अवैध ना बोल के खाली मत भी बोल सकता है। ऐसा क्यों होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने देखा होगा जनरली कि कई लोग मर जाते हैं, है ना, मर जाते हैं, तो उनका ये तो है नहीं कि पहचान पत्र उनको भी फेंक दिया जाता है। तो जनरली लोग क्या करते हैं, उसको पहचान पत्र को रख लेते हैं और फिर वो मरे हुए लोग का भी वोट डाल जाते हैं, जाके किसी और पर्सन के द्वारा डलवा देते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि इतनी फोटो वहां पे मैच करती नहीं है, तो हम किसी का भी डलवा देते हैं। तो ऐसा फर्जीवाड़े भी होते रहते हैं, जब उनका बाद में पता लगता है कि ये तो पहले से मर गया, इसने वोट कैसे डाला है, तो ऐसी जनरली कंडीशन होती है। तो ऐसे वोट है ना आपके खारिज कर दिए जाते हैं, अवैध इलीगल में आते हैं, तो उनको हटा दिया जाता है। ठीक है, और एक और कई बार ऐसा भी होता है कि कई बुजुर्ग लोग होते हैं, बहुत ज्यादा बुजुर्ग होते हैं, उनको बटन दबाने की भी उनमें क्या कहते हैं हिम्मत नहीं होती है, वो भी वोट डालने पहुंच जाते हैं, तो बाहर तो उनकी एंट्री हो जाती है। आपने देखा होगा जनरली बाहर तो उनकी एंट्री हो जाती है, लेकिन जैसे वो अंदर जाते हैं ना, अंदर जाके उनसे बटन ही नहीं दबता, प्रॉपर बटन ही नहीं दबता।
सही है, या फिर वो एक साथ दो बटन दबा देते हैं क्योंकि उनके हाथ कब कपाते हैं, एजेड होते हैं, तो ऐसी जनरली कंडीशन हो जाती है, तो वहां पर वो वोट क्या हो जाते हैं, इलीगल हो जाते हैं। इलीगल मतलब अवैध, अवैध घोषित हो जाते हैं आपके। ठीक है, मान लीजिए अगर आपके 20% वोट, 20% वोट अवैध निकले, कितने निकले 20%, तो 20% किसका अवैध निकलेंगे, 100 का नहीं बेटा 90 का निकलेंगे, तो 90 का 20% कितना होता है, तो 90 का 20% होता है बेटा 18, तो 18 वोट इलीगल निकले, खराब निकले या खाली छोड़ दिए किसी ने, तो 90 में से 18 घटा देंगे तो कितना आएगा बेटा 72% आएगा। तो ये 72% वोट कैसे हुए, वैध मत हुए, कौन से हुए, वैध मत। ठीक है, ये होते हैं लीगल मत। तो ये जनरल आपको पहले ये थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए, अगर आपको ये बेसिक पता है देन आप क्वेश्चनों को करोगे नहीं, उड़ा दोगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक मैंने बताया था क्या होता है, खाली मत छोड़ने का मतलब भी अवैध ही होता है और अवैध का मतलब तो अवैध है ही है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन हम करते हैं। अब देखिए इसके अंदर, मैं इसके अंदर भी आपको दो बातें बताना चाहता हूँ। देखिए चुनाव के अंदर, चुनाव वाले सवालों में दो तरीके से सवाल बनते हैं, है ना। ठीक है, दो तरीके से सवाल बनते हैं, दो लाइनें आप देखिए बस, अगर आपने वो दो लाइन देख ली ना तो आप सवालों को जल्दी जल्दी कर पाओगे, और मेरे तरीके से करोगे तो आप जल्दी ही आंसर ला पाओगे, है ना, और आपको जिंदगी में कभी भी डाउट नहीं होगा चुनाव वालों में। लेकिन चुनाव के सवाल जब आते हैं उसमें दो कंडीशन आती है, एक तो वो कई बार पूछता है कुल मतों का, कुल मतों का बस पूछता है। ठीक है, और एक बोलता है आपका वैध मतों का। अब कहोगे सर लाइन समझ में नहीं आई, आप कहना क्या चाह रहे, तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक लाइन क्वेश्चन के अंदर एक लाइन ऐसी आएगी कि जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 47% प्राप्त किया, ऐसा जाएगा, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 47% प्राप्त किया, तो किसका किया, कुल मतों का, है ना। और इसमें कैसी लाइन आएगी, अगर ये आएगा तो सवाल में, तो देखिए ऐसा आएगा, जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 50% प्राप्त किया। ठीक है, या 50 या मान लीजिए 60%। ठीक है, तो वैध मतों का 60%, तो यहाँ पे जनरली एक लाइन लिखी आती है, या तो वो लिखा आएगा कुल मतों का या फिर वो बोलेगा वैध मतों का। ठीक है, अगर कुल मतों की बात करें, कुल मतों की बात करें तो आप वहां पर 100 मान के सवाल करें, जल्दी आंसर आएगा, और अगर वैध मतों की बात करें तो आप ध्यान रखना उसको एक्स मान के करना, जल्दी आंसर आएगा। ठीक है, ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब सवाल करें तो दिक्कत नहीं आए, और दो ही कंडीशन आती है, या तो कुल मतों का बोलेगा या वैध मतों का बोलेगा, तो जल्दी आंसर करना है तो वैध मतों का बोले एक्स मानिए, कुल मतों का बोले 100 मानिए। अब देखिए, अब आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा सवाल करने में, अब देखिए चुटकियों में हम सवाल कर लेंगे। ठीक है, बेसिक हमारा क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद देखिए, देखिए बेटा अब सवाल करते हैं। पहला सवाल क्या करना है, किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, 20% लोग वोट डालने ही नहीं गए, 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 40% प्राप्त किया। देखो लाइन आ गई ना, मैंने क्या बोला था, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का कितना प्राप्त किया, 40% प्राप्त किया, कुल मतों का बोला है ना, तो हमेशा कुल मत हम 100 मानते हैं ना, तो इसको 100 मान के ही करेंगे सवाल। ठीक है, तो हम मानेंगे कुल मतदाता, तो कुल मतदाता कितने मानोगे बेटा, 100%। ठीक है, अब आगे बढ़िए, 20% लोग वोट डालने ही नहीं गए, अब 20% लोग वोट डालने ही नहीं गए तो वोट कितने डले होंगे बेटा, 80% वोट डले, वोट कितने डले, डाले गए वोट कितने हुए बेटा, डाले गए वोट हो गए आपके 80%। ठीक है बेटा, आगे की बात सुने, 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, अवैध मतलब इलीगल कितने वोट कर दिए, 10%, किसका 10%, 80 का, तो 80 का 10% अवैध घोषित कर दिए गए, तो 10 कितना कर दिया अवैध घोषित, 8, अब 8 ही कम 8, 8 वोट अवैध घोषित कर दिए गए, तो वैध कितने बचे, तो वैध बचे आपके 72% वोट, आपके वैध मत बचे, वैध मत आप समझ रहे हैं ना, वैध मत मतलब लीगल। ठीक है, अब जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 40% प्राप्त किया, जीतने वाला जो उम्मीदवार है उसने कुल मतों का, किसका, कुल मतों का, कुल मत कितने, 100 का कितना परसेंट प्राप्त किया जीतने वाले ने, 40% प्राप्त किया, 40% प्राप्त किए जीतने वाले ने, तो मुझे बता हारने वाले के बट में कितने आए होंगे, तो देखिए लीगल मत कितने हैं, लीगल मत है 72 में से इसको 40 मिल गए, तो अच्छा 40 इसके हाथ में आ गए, तो इसके हाथ में कितने आएंगे बेटा, 32% आएंगे। ठीक है आराम से, क्योंकि टोटल कितने हैं, 72% है लीगल, लीगल मतलब ओरिजिनल वोट आपके 72 ही हैं। ठीक है, बाकी सब कचरा था वो हटा दिया हमने, 100 में से
बाकी 28% कचरे थे तो हटा दिए, 72% ही आपके ओरिजिनल हैं। अब इसने बोला जीतने वाले ने कुल मतों का 40% प्राप्त किया, तो बताओ हारने वाले ने कितना प्राप्त किया होगा, 32। अब बताओ कितने से जीत हार हो गई, तो इसको 40% वोट मिले, इसको 32% वोट मिले, तो कितने से जीत हो गई, तो आप हो गए सर 8% से जीत हो गई, हो गए ना 8% से जीत। अब बेटा जीत हुई कितने से, वैसे 4000 से, तो 8% बराबर 4000, 1% बराबर 8 पंजे 40, 500 आ गया। बेटा 100% बराबर कितना आएगा आपका, 50,000। ये लीजिए आपका आंसर है, बिल्कुल सिंपल लिखें, ठीक है। मैं एक लाइन आपको पहले समझा चुका हूं, अगर कुल मतों का बोले तो 100 मान के करो, और वेद मतों का बोले तो एक्स मान के करो, जल्दी आंसर आएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझें, फिर सवाल को करें, ऐसे हवा में नहीं उड़ाएं सवाल को, ठीक है। मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज हर बार समझाता हूँ, एक एक लाइन बोल बोल के समझाता हूँ, एक एक लाइन बोल बोल के मैं सर सवाल करता हूँ, ठीक है। आप भी ऐसे भी करें। नेक्स्ट सवाल देखें, कोई दिक्कत हो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है बच्चों। अगर फिर भी आपको कोई परेशानी आती है तो आप मुझे देखिए, मैंने आपको पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, वो इसलिए दे रखे हैं आप अपनी समस्या को बता सकते हैं, ठीक है। फिर उसमें अगर आपको है तो मैं आपको उसका दूसरा तीसरा चौथा जितने मेथड हो सकते हैं मैं आपको सारे के सारे उपलब्ध बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही तरीके से, लेकिन अभी क्लास में हम एक ही मेथड पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर फिर भी आपको दिक्कत आती है तो मैं सेकेंड थर्ड फोर्थ जितने मेथड होते हैं सारे के सारे उपलब्ध करा दूंगा आपको, ठीक है। तो आप एक ना एक को तो समझेंगे ना, एक ना एक को समझेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए सबसे बेस्ट मेथड मुझे ये लगता है, बिल्कुल इजी, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखिए, सवाल नंबर है आपका 84। सवाल देखिए, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 75% मतदाताओं ने वोट डाले, तो वोट डालने लोग कितने पहुंचे, 75% लोग वोट डालने पहुंचे, इसका मतलब 25% ने वोट नहीं डाला, ठीक है, तभी तो पहुंचे 75%। जिसमें से मतलब किसमें से, 75 में से 2% मत क्या निकले, अवैध घोषित कर दिए गए। कितना अवैध घोषित कर दिए, 2% अवैध, अवैध मतलब इलीगल, लीगल नहीं, इलीगल वोट 2% अवैध हो गए, ठीक है। आगे बढ़िए, एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिले, कितने वोट मिले एक उम्मीदवार को, मान लो मैं उम्मीदवार हूं तो मुझे कितने वोट मिले, 9,261 वोट मिले, जो वेद मतों का 75% है, जो किसका है, वेद मतों का 75% है। तो इसमें किसकी बात करी है, उसने वेद मत की, और मैंने कहा था एक किसकी बात करेंगे, कुल मत की, तो देखिए कुल मत की बात कर रहे हैं, वेद मत ही कर रहा है, तो वेद मत की कर रहा है, तो सवाल को एक्स मान के करो, जल्दी आंसर आएगा, देखिए कैसे करते हैं। मान लीजिए कुल मतदाता एक्स है, कुल मतदाता मैंने क्या मान ली, एक्स, कुल मतदाता मतलब वोट, कुल वोटिंग कितनी है, एक्स है काम में। अब देखिए 75% लोग वोट डालने पहुंचे, तो 75% लोग वोट डाले, तो वोट डाले गए वोट कितने हो गए, 75% हो गए, डाले गए वोट ही तो नहीं है, ठीक है। टोटल वोट कितने थे, एक्स, और डाले गए वोट कितने हैं, 75%, ठीक है। आगे बढ़ो, 2% वोट अवैध घोषित कर दिए, 2% अवैध घोषित कर दिए, तो वेद कितने मत बचे, 98% बचे। अगर मैं कहूं 2% वोट इलीगल है तो लीगल कितने बचे, 98% बचे, किसका, डाले गए वोटों का। अब ये आपके कौन से मत आए, तो आप कहोगे सर ये वेद मत आए, सही है, हमने कचरा हटा दिया है। दोबारा सुने, टोटल मतदाता एक्स है, वोट कितने डाले, 75% वोट डाले, ठीक है। अब उसमें से 2% क्या निकले, अवैध निकले, तो अवैध को हटा दीजिए, तो लीगल कितने बचे, वेद मत कितने बचे, 98%। अब आगे बढ़ो, एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिले, कितने मिले बेटा, 9,261 वोट मिले, जो वेद मतों का, वेद मत यही तो है, जो वेद मतों का कितना परसेंट है, 75% है, जो वेद मतों का कितना परसेंट है, 75%, कौन, 9,261, ठीक है। अब मुनाफा करेंगे, 25 दिया 75, 25 चौके 100, ठीक है, 25 दिया 75, 25 चौके 100, ठीक है। अब बेटा ये हो गया 3 * 9 होते हैं, 3 * 9 होते हैं, तो सीधा 9 से काट इसको, 9 * 1 = 9, 26 हो गए, सॉरी 0, 26 हो गए, 9 * 2 = 18, कितना बच गया, 8 = 81, 9 * 9 = 81, ठीक है। अब आगे काटे तो देखिए बेटा 2 * 2 = 4 और 2 से कट गया 49, ठीक है। अब बेटा इसको सीधा 49 से काट देते हैं, क्योंकि 49 से पक्का है कटेगा, तभी तो आंसर आएगा, तो 49 * 1 = 49 होते हैं 98, कितना होता है 49 * 2 = 98 होते हैं, 102 में से 98 गए तो कितने बचे बेटा, 4, फिर 49 हो गए, 49 * 1 = 49। अब देखिए इन सभी चीजों को उधर भगा दीजिए, और इन सभी को जब आप उधर भगाओगे तो नीचे रहिए 4 * 8 = 800 वहां पर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो 21 * 800,
तो x का मान कितना है बेटा 8 × 8 = 16, कितना है बेटा 16800। ठीक है, गुणा भाग की जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है, गुणा भाग आप अपने हिसाब से कीजिए, मैंने मेरे हिसाब से किए, आपको जैसे उचित लगे वैसे कीजिए। ठीक है, लेकिन ये मुझे सही गुणा भाग लगी, तो ये आपका 16800 आपका आंसर है। ठीक है, और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 75% को आप डायरेक्ट 3/4 लिख लो, तो थोड़ा आपको लगेगा ऐसा कि गुणा भाग कम हो रही है, बात एक ही है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट नंबर, सवाल नंबर कौन सा आपका, सवाल नंबर आपका है 85। ठीक है, बताते रहे समझ में, अगर आपको इसमें कम समझ में आया वेट करें, क्योंकि वेद मत के मैंने कम से कम 4-5 सवाल लिए हैं, कुल मत के भी 3-4 सवाल लिए हैं, तो आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए आपने सुना हुआ एक डायलॉग सुना हुआ, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। ठीक है, तो सामने वाले को टेंशन देनी है आपको। ठीक है, कैसे टेंशन, ऐसे टेंशन नहीं देनी कि भाई आप उसको कि उसको अटैक किया जाए, ऐसे टेंशन नहीं देनी, आपको चौंका देना है अपनी मेहनत के साथ। देखिए नेक्स्ट नंबर 85 नंबर देखिए, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, 10% लोगों ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, मतलब 10% लोग अपने वोट डालने ही नहीं गए, यूज ही नहीं किया उन्होंने। डाले गए वोटों में से 11 सही 1/9% वोट क्या निकले, अवैध निकले। तो जीतने वाले उम्मीदवार ने वेद मतों का 60% प्राप्त किया, किसका क्या, वेद मतों का 60%, किसने, जीतने वाले ने, बस इसी लाइन को पकड़ना आपको। तो यहां वेद मत की बात करी है, तो मैंने कहा था क्या मान की करोगे सवाल, x, तो कुल मतदाता आप क्या मानेंगे बेटा, x मानेंगे, क्या मानेंगे बेटा, x मानिए। अब 10% लोगों ने तो वोट डाले ही नहीं, तो वोट डालने कितने पहुंचे होंगे, तो आप कहोगे सर 90% लोग पहुंचे, वोट डालने कितने लोग पहुंचे, 90% लोग पहुंचे। अब उसमें से डाले गए वोटों में से कितने वोट अवैध निकले, तो आप कहोगे सर अवैध कितने निकले, मैं अगर आपसे पूछूं तो अवैध निकले 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9% का मतलब होता है 1/9। ठीक है, मैंने ये पहली पहली क्लास में आपको समझा दिया था, 9 यहां पर क्या है, कुल मत है, मतलब मत है। ठीक है, या डाले गए मत मान लीजिए, डाले गए मत है यहां पर, 9 डाले गए मत है, उसमें 1 क्या है अवैध, तो इसका मतलब है वेद मत कितने बचे, वेद मत कितने बचे, तो आप करोगे सर 1/9 अवैध है, तो वेद मत कितने हुए, 8/9, तो इसको हम किससे गुणा कर देंगे बेटा, 8/9 से। ठीक है भाई, 11 सही 1/9% आपके कैसे हैं, अवैध हैं, तो 11 सही 1/9% किसके बराबर होता है, 1/9 के होता है, तो 1/9 अवैध हैं, तो वेद कितने बचे, 8/9, तो इसको 8/9 से क्या कर देंगे गुणा, तो ये आपका कौन से मत आ गए, तो आपको सर वेद मत आ गए टोटल आगे। ठीक है, अब उसमें से आपको बोला गया है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने वेद मतों का 60% प्राप्त किया, जीतने वाले ने कितना प्राप्त किया, जीतने वाले ने वेद मतों का, देखिए यहां चीजें मैं समझा रहा हूं आपको अलग से, देखिए इधर देख लीजिए, वेद मतों का, वेद मतों का जीतने वाले ने कितना प्राप्त किया, अगर मैं कहूं जीतने वाले ने प्राप्त किया 60%, तो बताओ हारने वाले ने कितना प्राप्त किया होगा, तो आप कहोगे सर 40%, सही 40% प्राप्त किया होगा, तो बताओ जीत हार कितने से हुई, तो आप कहोगे सर 20% से जीत हार हुई, कितने परसेंट से, 20% से, किसका 20%, तो आप कहोगे सर वेद मतों का, और वेद मत कहां है, ये तो है वेद मत, और इसका कितने परसेंट से जीत हुई, 20%, तो हम गुणा कर देंगे 20/100। ठीक है, तो वेद मतों का कितने परसेंट से जीत हुई, 20% से, और वैसे जीत कितने से हो रही है, तो आप कहोगे सर जीत हो रही है 1600 वोटों से जीत गया, तो कितने से जीत गया, 1600 वोटों से जीत गया। ठीक है, अब रही बात गुणा भाग की, तो एक एक करके करते हैं, 0 0 0 0, ठीक है, 9 से कट गया आपका, 9 कट गया, 8 × 16 से कट गए, 16 कट जाएगा कितनी बार, 100 बार, तो 100 × 100 कितना आ गया आपका, 10,000 आपका आंसर है इसी बात पे। ठीक है, 10,000 आंसर है, दोबारा देख लें एक बार, टोटल मत कितने हैं, x हैं, 10% लोग वोट डालने नहीं गए, तो डाले गए वोट कितने, 90%, उसमें से 11 सही 1/9% अवैध है, 11 सही 1/9 का मतलब 1/9 अवैध है, 1/9 अवैध है, तो वेद कितने बचे, 8/9, तो ये वेद मत आ गए आपके। ठीक है, अब उसमें बोला है जीतने वाले ने वेद मतों का जीतने वाले ने 60% प्राप्त किया, तो हारने वाले ने कितना प्राप्त किया होगा बेटा, 40, तो यहां कितने से जीत करोगे, तो आप लोगे सर 20% से जीत करेंगे, किससे 20% किसका, तो आप लोगे सर वेद मतों का, तो वेद मत यही तो है, इसी का 20% से क्या हो गई, जीत हो गई, और वैसे जीती कितने से, 1600 से।
ठीक है, गुणा भाग कीजिए, आंसर आपके सामने है ना। सबसे बढ़िया तरीका, सबसे बेस्ट तरीका x मानकर सबसे बढ़िया, जल्दी होगा। देखिए वेद मत की बात आए तो x मान के कीजिए, जल्दी होगा आप, ठीक है। और आप तरीके लगाओगे तो टाइम बर्बाद करोगे 100%। अगला सवाल नंबर आपका 86 क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, 86 क्वेश्चन कहता है एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने वोट नहीं डाले और डाले गए वोटों में से 10% वोट क्या निकले, अवैध घोषित कर दिए गए। तो जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 54% प्राप्त किया। देखो वही लाइन आ गई, जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 54% किया। अब वैध मतों का 54% प्राप्त किया तो मैंने कहा था जब भी वैध मत की बात आवे आप एक्स मान के सवाल करें तो यहां पर हम एक्स मानेंगे कुल मतदाता क्या मानेंगे, एक्स। 10% लोगों ने वोट ही नहीं डाले, अब 10% लोगों ने वोट ही नहीं डाले तो वोट डालने कितने पहुंचे होंगे, तो आप हो गए सर 90%, सही है। फिर उसमें से 10% अवैध घोषित कर दिए गए, तो 10% अवैध घोषित कर दिए गए तो कितना परसेंट मत कितना होगा, वेद मत कितना होंगे 90%, ये आपके वेद मत आ गए, सही है। तो कुल मतदाता एक्स है, 10% लोग वोट डालने ही नहीं गए तो वोट कितने डाले 90%, फिर उसमें से भी 10% अवैध घोषित कर दिए इलीगल तो लीगल कितने बचे 90%। आगे बढ़िए, ये वेद मत आ गए। अब आगे क्या बोला है, जीतने वाले उम्मीदवार ने वेद मतों का 54% प्राप्त किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने वेद मतों का कितना परसेंट प्राप्त किया, 54%। किसने, जीतने वाले ने, तो जीतने वाले वेद मतों का 54% प्राप्त किया होगा तो बेटा हारने वाले ने कितना प्राप्त किया होगा, तो आप कहोगे सर 46%। तो कितने से जीत हार हो गई, तो आप कहोगे सर 8% से जीत हो गई, राइट, क्लियर, 8% से जीत हो रही है और 8% से जीत रहा है किसका 8%, तो आप कहोगे सर वेद मतों का, वेद मत का है ये रही है, तो इसका 8% निकालो, तो इसके 8% से क्या हो गई, जीत हो गई। और वैसे जीत कितने से हुई है, तो आप कहोगे सर 1620 से। अब काटना पीटना है, ठंडे दिमाग से काटे, 0000 बढ़ गए, ठीक है। आगे देखिए, 4 × 8 और 4 से कट गया बेटा 25, कट गया। अब आगे देखिए, 9 × 81 को 2 से गुणा करो, तो आप जब 81 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 2 × 1 = 2 × 8 = 16, कितना आ रहा है 162, तो 162 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, कट जाएगा, तो 9 × 81 × 162 कट जाएगा 162 से, कितनी बार, 10 बार। तो अब हमारा आंसर क्या आएगा, तो आपका आंसर आएगा 2500 को 10 से गुणा करें 25000, तो आपका आंसर आएगा बेटा 25000, ये लीजिए। चुटकियों में आंसर आ रहे हैं, बस समझ समझ के पढ़िए। देखिए ये बातें मैं लिख के बता रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप खुद सोचिए। वेद मत है, वेद मतों का 54% तो प्राप्त किया जीतने वाले ने, तो हारने वाले ने कितना किया होगा 46, तो कितने से जीत हार हो गई, 8% से जीत हो गई। कितने के 8% है वेद मत के, तो वेद मत यही तो है, वेद मत का 8% से जीत हो, ठीक है। और वैसे जीता कितने से, 1620, गुणा भाग कीजिए आंसर, ठीक है, बिल्कुल इजी लगेंगे, आप बिल्कुल समझ नहीं पूछ रहा है ना, एक सवाल में अगर कम आ रहा है आप दूसरे सवाल को देखें, तीसरे सवाल, अरे तीसरे तक तो सब कुछ क्लियर होता है, आपको चीजें ऑटोमेटिक समझ में आती है, देखिए पहली बार अगर आप पढ़ रहे हो तो शायद दिक्कतें आएंगी, ठीक है। अगर आपने पहले एक बार कोचिंग कर रखी है देन आपको मेरा तरीका आपको सबसे बेहतरीन लगेगा, क्योंकि रीजन है इसके पीछे रीजन है, क्योंकि आपने एक बार कोचिंग कर रखी है, उन्होंने अलग तरीके से करा और मैं आपको बिल्कुल सीधा सीधा बिल्कुल सबसे जो सरल तरीका है वो बता रहा हूं डायरेक्ट। लेकिन नेक्स्ट नंबर आपको एग्जाम में ऐसा ही करना है, 87 पढ़िए, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 20% लोगों ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, जिनमें से 400 मत निकले अवैध, 400 मत अवैध निकले। अब की बार देखिए परसेंटेज में नहीं दे रखा, ध्यान रखना आप ढंग से पढ़े, 20% लोगों ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, तो 20% लोगों ने यूज नहीं किया। आगे बोला अवैध वोट कितने हैं, अवैध वोट है 400 मत है, 400 परसेंटेज में दिया है, रियल वैल्यू दी है ना, तो थोड़ा देख के करेंगे। जीतने वाले उम्मीदवार ने वेद मतों का 70% प्राप्त किया, ये वही आ गया, तो किसका प्राप्त किया बेटा, वेद मतों का। तो सबसे पहले अपन यहां पर क्या करेंगे, कुल मतदाता मानेंगे, कितने मानेंगे एक्स, कुल मतदाता एक्स मानेंगे, 20% लोग वोट डालने ही नहीं गए तो वोट कितने डाले बेटा 80% डाले, वोट कितने डाले 80%, क्लियर बेटा। आगे देखिए, जिनमें से 400 मत अवैध निकले, कितने मत अवैध निकले 400 मत अवैध लगे, अवैध मतलब इलीगल निकले, तो 400 वोटों को मैं क्या कर देता हूं बेटा, माइनस कर देता हूं, हटा देता हूं, हटाने का भाई अवैध वोटों को हटाएंगे तो सही, हटाने का मतलब माइनस कर देंगे, ठीक है, डाले गए वोटों में से माइनस कर देंगे, तो ये आपके कौन से वोट बचे, तो ये आपके वेद मत बचे, सही है, वेद मत बचे, लीगल, कौन से वाले, लीगल मत है ना, लीगल वोट बचे आपके। अब आगे देखिए, आगे आपको क्या बोला है उसने,
जीतने वाले उम्मीदवार ने वेद मतों का, जीतने वाले उम्मीदवार ने वेद मतों का 70% प्राप्त किया, जीतने वाले ने वेद मतों का 70% प्राप्त किया, जीतने वाले ने, तो आप मुझे बताना हारने वाले ने कितना प्राप्त किया, बताओ कहोगे सर 30%, तो बताओ कितने से जीत हुई, तो आप कहोगे सर 40% से जीत हो गई, और किसका 40%, तो आप कहोगे वेद मतों का, और वेद मत यही तो है, वेद मत खाए, वेद मत यही तो है, तो इसी का तो कितने परसेंट से जीत हुई, 40% से जीत हुई, 40% से जीत हो गई, सही है, सही है भाई, 40% से जीत हो गए, और वैसे जीत हुई कितने से, 1600 वोटों से जीत हो गई, ठीक है 1600 वोटों से। अब गुणा भाग करें तो बेटे देखिए 40 एकम 40, 40 से कितनी बार कट जा रहा है, 40 बार, सही है भाई, जीरो से जीरो कट गया, 4 चौक 16, 40 बार, 100 को भाग में भाजा के गुणा में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा 4000 हो जाएगा, हो जाएगा 4000। आगे देखिए ये माइनस का है 400, ये वहां पर जाके क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, ये क्या बचा x का 80%, 80% वाला 20 चौक 80 20 50 100, तो क्या है बेटा 4/5। एक बार मैं बता देता हूं दोबारा, 40 से काटो इसको, 40 से कम 40 और 40 से इसको काटो, तो 40 से 1600 कितनी बार कट जाएगा, 40 बार, 100 को उधर भेज दिए तो क्या हो गया 4000 हो गया, गुणा में चला जाएगा, ये माइनस है तो वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएंगे 4400, ये हो जाएंगे 4400, ये हो गया 4x/5। अब देखो 4 से काटो, 4 एक नौ 4, 4 से कट गया 1100, तो बेटा x का मान कितना आया 5500 आंसर आ गया आपका। तो बताओ डाले गए कुल मतदाता कितने हैं आपके, 5500 हैं, कुल मतदाताओं की संख्या पूछी आपसे, तो कुल मतदाताओं की संख्या कितनी होगी 5500, बिल्कुल आराम से प्यार से निकाला हमने, कहीं कोई ऐसा नहीं कि बहुत तगड़ी गुणा भाग करिए हमने, है ना, फटाफट आंसर आ रहे हैं। बस आप एक ही बात ध्यान रखना, मेरी एक छोटी सी बात है आपसे, कि अगर आपसे कुल मतदाता में बोले तो 100 मान लेना, और अगर आपसे वेद मतों का बोले तो x मान लेना, जल्दी आंसर आएंगे, फटाफट आंसर आएंगे। सवाल नंबर 88 और 89 एक जैसे हैं, ठीक है, जो संख्याएं चेंज है बाकी सब कुछ एक ही है। देखिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, मतलब 10% लोग वोट डालने ही नहीं गए, इसका मतलब है आगे बढ़े 60 मतदाताओं ने अपने मत खाली छोड़ दिए, 60 मतदाताओं ने अपने मत खाली छोड़ दिए, खाली छोड़ने का मतलब होता है अवैध घोषित कर दिए गए, ठीक है। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतदाता सूची का, देखिए वही लाइन इंपॉर्टेंट है, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतदाता सूची का, और कुल मतदाता सूची क्या होती है 100, तो इस सवाल को हम क्या मान के करेंगे, 100 मान के करेंगे, तो कुल मतदाता क्या मानोगे जल्दी बताओ, कुल मतदाता मानेंगे हम 100%, कितना मानेंगे बेटा, कुल मतदाता मानेंगे हम 100%, ठीक है, कुल मतदाता हम 100% मानेंगे। अब 10% लोगों ने तो वोट ही नहीं डाले, अब 10% वोट डालने ही नहीं गए, तो वोट डालने कितने पहुंचे 90%, डाले गए वोट कितने हैं 90%, डाले गए वोट 90% है। अब आगे बढ़े, 60 मतदाताओं ने अपने मत खाली छोड़ दिए, तो बेटा आप जो मत खाली छोड़ दिए उनको क्या बोलते हैं, अवैध, इलीगल, इलीगल मत कितने 60 मत हैं बेटा, ये परसेंटेज में नहीं है, ये 60 मत हैं, बिना परसेंटेज के ध्यान रखना ये बात, 60 मत हैं। अब इनको क्या करना पड़ेगा, अवैध मत को क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा। अब बेटा इसमें से आप माइनस करोगे तो आप ऐसे तो लिखोगे 90% - 60। अब बेटा आप एक खूब अच्छे तरीके से जानते हो ये संख्या किसकी है, परसेंटेज की, और ये संख्या किसकी है, बिना परसेंटेज की, तो इसमें से ये माइनस नहीं हो सकता, ऐसा मत कर देना 30%, है ना, गलत है, 30% कब कर देते हैं, जब ये भी किसकी होती, परसेंटेज की होती, तो ये परसेंटेज की नहीं है, इसलिए यहां पर ये माइनस नहीं हो सकता। इसलिए एक बात आप याद रखना कि जो ये 60 मत हैं इनको हमको माइनस करना है, लेकिन अभी माइनस नहीं करेंगे, अगर अभी आप माइनस करने बैठ गए तो सवाल कर दोगे गलत, तो आप एक बात याद रखना कि 60 मतों को माइनस करना है। अब बताओ ये कैसी वैल्यू है, पहले तो ये बताओ वैल्यू कैसी है, तो आप कहोगे सर ये मैंने बताया था परसेंटेज कैसी वैल्यू होती है, फर्जी वैल्यू होती है, फेक वैल्यू होती है, और ये कैसी वैल्यू होती है, रियल वैल्यू होती है। तो मैंने आपको एक बात समझाई थी स्टार्टिंग में कि गणित में दो प्रकार के डेटा होते हैं, एक होता है बेटा रियल डेटा और एक होता है फेक डेटा। अब कहोगे सर फेक डेटा कौन सा होता है, जो परसेंटेज वाला होता है, और रियल डेटा कौन सा होता है, जो गिनती में होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जैसे ये 7 है 60 है, पता है परसेंटेज में क्या नहीं है, तो कैसा डेटा, रियल डेटा है। अब ये रियल डेटा है, और ध्यान रखना रियल डेटा का जोड़ घटाव किसमें होगा, रियल डेटा के साथ ही होगा, रियल की जोड़ी रियल के साथ ही बनेगी और फर्जी की जोड़ी फर्जी के साथ ही बनेगी, ठीक है।
अब देखिए बेटा इसमें देखिए, अब 90% वोट डले 90% और 60 मत हमें क्या करने माइनस करने, लेकिन अभी हम माइनस नहीं कर सकते क्योंकि परसेंटेज में से ये माइनस नहीं होता है। तो जहां भी हमें मौका मिलेगा वहां हम एक चौका मार देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब होता क्या है कि जहां भी हमें मौका मिलेगा वहां हम 60 मत क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ध्यान रखना कैसे करेंगे वो देखते हैं अभी, है ना। आगे देखो आप 90% वोट क्या हो गए डाले गए, वोट 90% हो गए। अब आगे बढ़े, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतदाता सूची का 47% प्राप्त किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने किसका कुल मतदाता सूची का, कुल मतदाता सूची कितनी है 100 का कितना परसेंट प्राप्त किया 47% जीतने वाले ने प्राप्त कर लिया। तो बेटा हारने वाले ने कितना प्राप्त किया होगा, तो हारने वाले ने घटा दो 90 में से 47 को घटा दीजिए तो कितना आएगा बेटा 43% आ जाएगा। तो हारने वाले ने 43% प्राप्त किया। तो बताओ कितने से जीत हार हुई, तो आपको अभी सब 4% से जीत हो गई। कितने परसेंट से जीत हो गई बेटा 4% से जीत हो गई, ठीक है 4% से जीत हो गई है। अब वैसे जीता कितने से है, तो वह 308 वोटों से जीत गया। तो वह 308 वोटों से जीत गया। अब मुझे बताओ ये कैसी वैल्यू है, तो आप कहोगे सर ये रियल वैल्यू है, और ये भी कैसी वैल्यू है रियल वैल्यू है। अब हमें मौका मिल रहा है नहीं मिल रहा घटाने का, तो 60 मत है ना, वो 60 मत कैसे है अवैध है इलीगल है, और इलीगल है तो उनको माइनस करना पड़ेगा। तो बेटा हम माइनस कर दो, मिल गया ना मौका, मैंने कहा ना मौका मिलते ही चौका मार देना, ठीक है। अगर फुलटोस बोल आती है तो हम सीधा खेलते हैं ना अच्छा आगे बढ़ के एकदम उड़ा देते हैं सिक्स के, ऐसे कर दीजिए। तो बस 308 में से हम माइनस कर दीजिए 60 को, बस ठीक है 4% बराबर 308 में से 60 गए। तो जल्दी बताइए कितने बचे 248। अब भागिए 4 एकम 4 4 6 24 4 2 8, तो बताओ 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा बेटा 6200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 6200। तो आपके कुल मतदाता कितना है 6200, ठीक है। ये लॉजिक आपको अच्छा लगा होगा, वैसे आप इसको ऐसे करते हो 90% माइनस 60 फिर पता नहीं क्या क्या, वो कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हो आप चीजों को, आप कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। आपको मैंने बता दिया जहां मौका मिले वहां चौका मारेंगे, ठीक है नेक्स्ट। और आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतदाता सूची का, कुल मतदाता भी है ना, मैंने कहा जब भी कुल कर बात करें तो आप सौ मान के करें सवाल, और अगर जब भी वेज मतों की बात करें तो एक्स मान के करें, जल्दी आंसर आएगा 101% अजमाया हुआ है, 101% आप अजमा भी रहे हो, ठीक है, और आगे भी अजमाते रहोगे, ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर सवाल नंबर है बेटा 89। कौन सा आपका 89 सवाल क्या कह रहा है बेटा, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, मतलब 10% लोग वोट डालने ही नहीं गए, 300 मत क्या निकले अवैध निकले, 300 मत निकले ना। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतदाता सूची का 60% प्राप्त किया, किसका प्राप्त किया जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतदाता सूची का। तो जब भी कुल मतदाता सूची की बात हो तो हमेशा कुल मतदाता आप क्या मान के करोगे 100% मान के करोगे, ठीक है। और मैंने कहा था जब भी वेद मतों की बात हो तो आप क्या मान के करेंगे एक्स मान के करेंगे, जल्दी आंसर आएगा, ठीक है। कुल मतदाता सूची 100% है, ठीक है, 10% लोग वोट डाले ही नहीं गए, तो डाले गए वोट कितना होगा 90% हो गए। डाले गए वोट कितना होगा बेटा जल्दी बताइए, डाले गए वोट हो गए आपके, डाले गए वोट हो गए 90%, ठीक है। आगे बढ़िए, 300 मत अवैध निकले, अवैध कितने निकले, अवैध निकले 300 मत। बेटा अगर ये परसेंटेज में होता ना जब तो मैं इसको यहीं घटा देता, लेकिन ये परसेंटेज में नहीं है, ये रियल में है और ये परसेंटेज में, अब ये घटेंगे भी नहीं और सवाल हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड हमें करना नहीं है। अवैध मत 300 है, बस ध्यान रखना जहां भी हमें मौका मिलेगा हम चौका मारेंगे, ठीक है। अब बात समझ में आ गई होगी आपको, अब आगे पढ़िए, जीतने वाले उम्मीदवार ने किसने, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतदाता सूची का, कुल मतदाता कितनी है 100 है, 100 का कितना परसेंट प्राप्त किया जीतने वाले ने प्राप्त किया है कुल मतदाता सूची का 60%। तो जीतने वाले को मिल गए, तो बेटा हारने वाले को कितने मिले होंगे, 90 में से कितना घटा दो 90 में से 60 घटा दो कितना बचे 30% मिले, ठीक है। अब बताओ कितने से जीत हुई, तो आप बोलोगे सर 30% से जीत गया, भाई इसको 60 मिले इसको 30 मिले, तो कितने से जीत गया 30% से जीत गया है। और वैसे जीत कितने से हो रही है 900 वोटों से हो रही है, कितने से हो रही है 900 से हो रही है, राइट। अब मुझे बताओ आपको मौका मिल रहा है नहीं मिल रहा, ये भी रियल वैल्यू है, ये भी रियल वैल्यू है, अब ये इनको क्या करना है बेटा माइनस करना है, अब माइनस कर दो ये नीचे, तो बता 900 में से 300 गए, 300 गए तो कितने बचे 600, सही है। तो 30 एकम 30 और 30 दूनी 60 20 आ गया, तो बेटा 100% बराबर कितना आ गया 2000 आ गया। अब तो आप कर लोगे क्योंकि पिछले वाला सवाल वाला जो लॉजिक है वही सेम टू सेम मैंने इसमें लगाया है,
कोई बड़ी बात नहीं, बस ये मौके वाला चौका आपको याद रखना, जहां मौका मिलेंगे वहां चौका मारेंगे, ठीक है। वो लाइन आप समझ में होंगे, जहां भी हमें घटाने का मौका मिलेगा तो हम माइनस करेंगे, यहां मत करना, यहां करोगे तो सबक कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। मैं दिखाना नहीं चाहता, आप किसी भी जैसे कहीं भी आप पढ़े होंगे तो उससे पहले आपको मैंने माइनस करके ही बताया होगा, ठीक है। तो अपन वो माइनस करेंगे नहीं, मौका मिलेगा वहां चौका मारेंगे, ध्यान रखना इसके अंदर। अब देखिए टाइप नंबर आपकी 9, टाइप नंबर 9 देखिए आप सभी बच्चे, टाइप नंबर 9 क्या कहती है बेटा, यदि टैक्स की दर 19% बढ़ जाती है तो शुद्ध आय में 6% की कमी हो जाती है, तो टैक्स की क्या बताइए, दर बताइए, ठीक है। अब देखिए बेटा इस सवाल को करने से पहले, मैं 1 मिनट का गैप लेता हूं, 1 मिनट है ना। हाँ देखिए बच्चों, अब देखिए इसके अंदर अगर ये सवाल आपको करना है इनकम टैक्स वाला, तो देखिए टैक्स वाला सवाल कैसे करता है, पहले आप चीजों को समझेंगे, बेसिक समझेंगे, बिना बेसिक समझे आप नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप ना एक तो पढ़ें कुल आय, कि भाई कुल आय क्या है, एक हम कुल आय पर क्या देते हैं, टैक्स, कुल आय पर ही देते हैं डायरेक्ट इनकम टैक्स, और टैक्स देने के बाद जो हमारे हाथ में आता है वो होती है आपकी शुद्ध आय, कौन सी आय, शुद्ध आय, ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं यथार्थ आय, ठीक है। और जो इंग्लिश मीडियम के वो सुने, इसको बोलते हैं ग्रॉस इनकम, ठीक है, इसको बोलते हैं टैक्स और इसको बोलते हैं नेट इनकम। अब ग्रॉस और नेट में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, अब मैं आपको समझाता हूं, आप पूरी चीजें समझे, ठीक है, आप आराम से समझे। देखिए आप में गवर्नमेंट जो सर्वेंट होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं उनके मुंह से सुना होगा, अभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं ऐसा सुना होगा, आप जनरली उनके पास बैठे होंगे और आपके कोई घर के अंदर चाचा ताऊ में, बहन भाई में, रिश्तेदारी में, दोस्त में कोई ना कोई आपका गवर्नमेंट सर्वेंट होगा, तो आपने उसके मुंह से एक बात जरूर सुनी होगी, क्या मेरी सैलरी तो 50,000 है, आप उस समय कितनी सैलरी है, आपको यही रहता है कि सैलरी कितनी है, पैसा कितना है ना, तो आप सुनते हो कि मेरी सैलरी तो 50,000 है लेकिन मुझे कट पिट के 45,000 मिल जाते हैं, ऐसा सुना हो आपने, ये वर्ड बहुत सुना हुआ कि ना मेरी टोटल आय तो 50,000 है और मुझे कट पिट के, अब वो कटते किसमें, कोई टैक्स में करते हैं, कोई इंश्योरेंस में करते हैं, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी में करते हैं, कोई गवर्नमेंट की जो PFB होता है उसमें करते हैं, मतलब काफी चीजों में कर जाते हैं, तो मैं यहाँ पर टैक्स मान रहा हूँ, टैक्स में 5,000 रुपए आपके कट गए, तो 50,000 में से 5,000 आपके कट गए, तो आपके शुद्ध आय कितनी आई, तो शुद्ध आय आ गई 45,000, तो आपके हाथ में कितने रुपए आते हैं, 45,000 आते हैं, ऐसा सुना होगा आपने जनरली, काफी सुना होगा, नहीं सुना है तो एक बार गवर्नमेंट सर्वेंट से आप पूछ लीजिए, वो आपको बता देगा कि मेरी टोटल इनकम तो इतनी है, टोटल सैलरी तो इतनी है, पर मुझे कट पिट के किसी कुछ में कर जाते हैं, कहीं कर जाते हैं, इधर कर जाते हैं, तो वो गवर्नमेंट की स्कीमें होती है वहां पर कई चीजों में उनके पैसे कट जाते हैं, जैसे इंश्योरेंस में कट जाते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, ठीक है। इंश्योरेंस पॉलिसी आपने सुना होगा, भाई गवर्नमेंट जॉब के पीछे क्यों भाग रहे लोग, इसलिए तो भाग रहे क्योंकि इंश्योरेंस का मैं बताता हूं आपको, आपने सुना होगा किसी जैसे आप गवर्नमेंट सर्वेंट बन गए, ठीक है, भगवान ना करे ऐसा हो कभी आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, या तो आपकी उसमें मौत हो जाती है या फिर आपके हाथ पर कट जाते हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उनके इंश्योरेंस बने हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, कि हाथ पर कटने पर आपको क्या मिलेगा, अगर आपका क्या कहते हैं आपके डेथ हो गई तो आपके घर वालों को क्या मिलेगा, तो ये सारी चीजें इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसके पैसे कटते हैं, तो ध्यान रखना टोटल सैलरी आपकी 50,000 है, 5,000 आपने टैक्स भर दिया तो आपके हाथ में इन कितना है, 45,000 आ रहे, जो 45,000 आए वो आपकी शुद्ध आय है और टोटल आय आपकी कितनी थी, 50,000 थी, ठीक है। अब एक बार बताओ, 2 मिनट के लिए सोचो, अगर टैक्स बढ़ जाए, टैक्स 5,000 था, अगर टैक्स बढ़ जाए, अगर टैक्स हो जाए मान लीजिए 7,000, अब गवर्नमेंट कह रही है हम तो 6,000 लेंगे, 7,000 में से 6,000 ले लेते हैं, कि अगर नहीं गवर्नमेंट कहेगी हम तो 6,000 रुपए टैक्स लेंगे, ठीक है, अब 6,000 रुपए टैक्स लेंगे तो कुल आप मुझे ये बताइए तो शुद्ध आय कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे शुद्ध आय कितनी हो जाएगी, तो शुद्ध आय सर हो जाएगी आपकी 44,000 हो जाएगी, है ना। अब बात को समझना क्या है, आपको समझना क्या है, अब यहां पर एक नोट डाल के मैं एक बात लिखता हूं यहां पे क्या है कि जितना टैक्स बढ़ेगा टैक्स कितना बढ़ गया यहां पर 1,000 बढ़ गया, तो जितना टैक्स बढ़ेगा उतनी ही शुद्ध आय क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो यहां पर शुद्ध आय कम हो गई ना, कितनी कम हुई है, 1,000 कम हो गई है,
और टैक्स भी कितना बढ़ा है 1000। तो इसका मतलब अगर जैसे जैसे टैक्स बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी सुधाई क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। मान लो गवर्नमेंट कहते हैं 5000 के लिए हम तो 10000 लेंगे भैया टैक्स, तो 10000 अगर टैक्स लेगी तो आपके हाथ में कितनी सैलरी आएगी, 40000 आएगी। तो देखिए आप खुद देख पा रहे हैं, 40000 आएगी। तो जिस हिसाब से आपका टैक्स बढ़ा है उसी हिसाब से आपकी क्या होती है, आपकी सुधाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर हम एक नोट डाल के बात रखेंगे, जितना टैक्स बढ़ता है, जितना टैक्स बढ़ता है उतनी ही शुद्ध आय कम हो जाएगी। जितना टैक्स बढ़ेगा उतनी ही शुद्ध आय क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब टैक्स की बढ़ोतरी और शुद्ध आय की घटोतरी दोनों का आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। इसका मतलब क्या है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, टैक्स जितना बढ़ेगा, देखो ये एरो का चिन्ह ऊपर की तरफ है, इसका मतलब बढ़ रहा है ना, टैक्स जितना बढ़ेगा शुद्ध आय उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखो नीचे की तरफ है, कम हो रही है, इसका मतलब ये चीज आप क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए, आपका सवाल का आंसर आराम से आ जाएगा। क्योंकि ठीक है आप सवाल के होंगे बेसिक को, टैक्स बढ़ेगा तो शुद्ध आय कम हो जाएगी, तो टैक्स जितना बढ़ेगा शुद्ध आय उतनी ही क्या होती है, कम होती है। तो ये दोनों पक्ष आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बस इस पॉइंट को आप याद रखना। अब आपको मैंने पूरा खोल के समझा दिया, ऊपर ऊपर से नहीं बताया, पूरा खोल के समझा दिया है। अब आप आराम से इनको पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, सवाल को उड़ा सकते हैं। अब सवाल करिए, यदि टैक्स की दर 19% बढ़ जाती है, तो आपको मैंने बता दिया टैक्स जितना बढ़ेगा ठीक है शुद्ध आय उतनी ही क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। यही बढ़ाना आपने ठीक है। तो टैक्स की दर, तो टैक्स को मैं टी लिख दूं, टैक्स को मैं टी लिख रहा हूं ना, टैक्स कितना बढ़ गया, तो आप कहोगे सर 19% बढ़ गया, कितना बढ़ गया 19% बढ़ गया। तो शुद्ध आय में कितने की कमी हो गई, 6% की कमी हो गई। तो आपकी जो शुद्ध आय है, शुद्ध आय को मैं लिखूं पी, पी मतलब प्योर इनकम है ना, प्योर इनकम, प्योर इनकम आपकी कितनी कम हो गई, तो आप कहोगे सर 6% कम हो गई, तो है ना 6%। तो मैंने कहा था टैक्स जितना बढ़ेगा शुद्ध आय उतनी कम हो जाती है, तो 100 से आपका क्या कट गया बेटा, 100 कट गया ठीक है। तो आपका 19t बराबर 6p है ना, यही ना। तो मुझे बता टैक्स कितना आया, तो आप कहोगे सर टैक्स आ गया 6, तो टैक्स तो आपका आ गया 6। और पी, पी मतलब क्या थी, प्योर आय, प्योर आय मतलब शुद्ध आय, शुद्ध आय, तो शुद्ध आय कितनी है आपकी 19। तो बेटा शुद्ध आय आपकी है, शुद्ध आय आपकी कितनी है 19, और आपका जो टैक्स है टी मतलब टैक्स कितना है 6 है। तो बता कुल आय कितनी हो जाएगी, तो कुल आय हो जाएगी आपकी 19 और 6 कितनी हो जाएगी 25, कुल आय आपकी 25 होगी। अब मैंने कहा था टैक्स जो लगता है वो हमेशा किस पर लगता है, कुल आय पर लगता है ठीक है, मैंने पहले बता दिया था आपको, टैक्स हमेशा किस पर लगता है, कुल आय पर। शुद्ध आय पर लगता है क्या, नहीं, शुद्ध आय तो हमें बाद में मिलती है कट कटने के बाद। तो देखिए टैक्स की हमें क्या निकालनी है, दर, तो टैक्स की हम दर निकाल देंगे आराम से, मतलब टैक्स कितने का लग रहा है 6 का, किस पर 25 पर, गुणा में क्या कर देंगे 100, तो 25 चौके 100, तो कितना परसेंट आया दर, तो टैक्स की दर आई 24%। अपने पास रटने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ समझने का है। और देखिए मैं सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूं ठीक है, और आपको पढ़ना भी ऐसा ही है, कोई भी चीज रटनी नहीं है, अगर आप रटोगे तो आप गलती करते हो ठीक है। ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन को ऐसे करें, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझें, और मेरा टारगेट हमेशा लैंग्वेज को समझाना रहा है मेरा, ऐसा नहीं अरे भाई ये सवाल ऐसे होता है ये दिख जाए तो आप ये कर दो, ऐसा नहीं, ऐसे कि ये दिख जाए तो ये कर देना, फिर चीजों को समझें फिर बाद में आप कुछ भी करें। आप 2-3 बार जब तरीके से पढ़ोगे ऑटोमेटिक आपका दिमाग ऑटोमेटिक चल जाएगा, अरे यार हाँ ये ऐसा होता है तो ऐसा होता है, होता ही है ठीक है। आगे देखिए 91, किसी वस्तु पर दलाली की दर 6% से बढ़कर 8% होने पर भी दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है, मतलब दलाल की इनकम सेम रहती है ना, तो उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की क्या आई, कमी आई है ना, तो व्यापार में कमी आई है। देखिए दलाली क्या होता है, तो दलाली मैंने आपको एक दिन कमीशन समझा रहा था, तो वही आपकी दलाली होती है, कमीशन बोलो या दलाली बोलो बात एक ही है ठीक है। दलाली कैसे, जैसे मान लो मेरे पास प्लॉट है, मेरे पास प्लॉट है
और मुझे वो बेचना है, है ना। या फिर आप मान लीजिए राम है, राम के पास एक प्लॉट है और उसको बेचना है, वो प्लॉट है ना, वो प्लॉट बेचना है। अब ये वो बहुत पैसे वाला आदमी, वो जगह जगह तो जाएगा नहीं कि प्लॉट बेच लो मेरे को भाई, बेचना है बेचना है बेचना है, ऐसे तो जाएगा नहीं। तो उसने क्या करा, दलाल को, एक दलाल मान लीजिए मैं हूँ, दलाल मुझे उसने ठेका दे दिया कि भाई तू इस प्लॉट को बिकवा दे और इस प्लॉट को तू 50 लाख में बिकवा दे मेरा, और मैं तुझे 5 लाख रुपए दे दूंगा इसके लिए। ठीक है, 5 लाख का मतलब कितना हो गया, 10% हिस्सा हो गया, है ना, 10% हिस्सा हो गया ना भाई, 50 लाख में से वो मुझे 5 लाख दे रहा था, 10% हिस्सा ही तो हुआ, तो 10% मुझे दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से दलाली होती है ना। तो आपको ने जितने का माल बेचा है, जितने का बिजनेस किया है, उसका 10% आपको मिल रहा है, ये दलाली है। तो इसी को अब करते हैं सवाल को, उसने क्या बोला है कि किसी वस्तु पर दलाली की दर 6% थी। मान लीजिए उस वस्तु की रेट कितनी थी, एक्स, मतलब हमने व्यापार कितने का किया, एक्स का किया, ये हमने पहले व्यापार किया, पहले किया, पहले मतलब स्टार्टिंग में, है ना, स्टार्टिंग में हमने जो व्यापार किया वो कितने का किया, एक्स रुपए का व्यापार किया, कितने रुपए का बेटा, एक्स रुपए का व्यापार किया। ठीक है, अब उस पर मुझे दलाली कितनी मिल रही है, 6% मिल रही थी, कितनी मिल रही थी बेटा, 6%। ठीक है, अब मेरा अब देखिए, अब व्यापार में, अब व्यापार मान लो वाई रुपए का चल रहा है, कितने रुपए का चल रहा है बेटा, वाई रुपए का। ठीक, अब वाई रुपए का मैं माल बेच रहा हूं, तो वो अब दलाली 6% से बढ़कर कितनी हो गई, 8% हो गई। अब दलाली मुझे कितनी मिल रही है, 8% मिल रही है, लेकिन दलाल की आय क्या रही, अपरिवर्तित रही, आय पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो दलाल की आय निकालो, तो दलाल को कितने मिल रहे थे पहले, 6% किसका, एक्स का, तो एक्स का 6% मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है, तो वाई का कितना परसेंट, 8%, लेकिन अभी भी उसकी आय क्या है, अपरिवर्तित है। अपरिवर्तित का मतलब क्या है, आय अभी भी समान है। ठीक है, बराबर कर दिया, 100 से 100 कट गया, इसको काटो, 2 3 6 और 2 4 8, तो बेटा क्या आया, 3x = 4y, यही है ना। अब बेटा x का मान कितना होगा बेटा, 4, और y का मान कितना होगा, 3। अब देखिए x का मान तो बेटा कितना है, अब x का मान पूछूं मैं आपसे, x का मान तो कितना है, 4, और y का मान कितना है बेटा, 3 आ गया। अब x का मान 4 है, y का मान 3 है, पहले कितने का व्यापार हो रहा था, 4 रुपए का, मतलब 4 रुपए का प्लॉट बेच रहे थे, अब 3 रुपए का प्लॉट बेच रहे हैं, तो कितने की कमी आ गई बिजनेस में, 1 रुपए की कमी आ गई, किससे, 4 से, गुणा में क्या करते हैं, 100, तो बताओ बिजनेस में कितने की कमी हो गई, तो आप कहोगे सर 25% की कमी हो गई। ठीक है, मैं रटा नहीं रहा, मैं समझा रहा हूं, तो मैं पूरा ही एक्सप्लेन करूंगा, और हमेशा मेरा टारगेट रहा है क्वेश्चन की लैंग्वेज को। ठीक है, फिर आपने क्या करते हैं, रटते हैं इन क्वेश्चन को, आप रटते हो, जबकि रटने के नहीं, केवल समझने के हैं। ओके बेटा, ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट सवाल नंबर 92 क्या है, जब एक आदमी को आय 6000 बढ़ जाती है, एक आदमी की आय कितनी बढ़ गई, इनकम 6000 बढ़ गई है, मतलब मान लो उसकी इनकम पहले x थी, तो अब कितनी हो गई, x plus 6000, है ना। अब कई बच्चे कहेंगे सर x क्यों मानते हो, आजकल तो लोग x मानते नहीं है, बेटा x के बगैर तो जिंदगी अधूरी है। ठीक है, सही है, आपको पता होगा, आपने सुना भी होगा कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड या एक्स बॉयफ्रेंड, सुना होगा, तो बिना एक्स के तो जिंदगी अधूरी है, तभी तो रोटेट होते हैं ना, तभी तो नौकरियां नहीं लगती, तो ये चलता रहता है। ठीक है, तो बिना एक्स के तो जिंदगी अधूरी है, ठीक है, और हैगी भी, वो अधूरी हैगी भी, है ना। और इसका मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब समझाने का था, अगर आप SSC या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए उसमें एडवांस मैथ भी आती है और अर्थमेटिक भी आती है। ठीक है, अब अर्थमेटिक में अगर आप, चलो ठीक है, अब अर्थमेटिक में सवालों में आप एक्स से दूर भाग लोगे तो एडवांस में कहां जाओगे, एडवांस में तो आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, ठीक है, एडवांस आपको छोड़ेगी नहीं, एडवांस तो आपके पीछे पीछे एक्स को, वाई को, जेड को, सबको लेके आएगी वो। ठीक है, लेकिन आप टेंशन बिल्कुल ना लें, एडवांस में आपको मैं बिल्कुल एकदम खतरनाक तरीके से पढ़ाऊंगा, और आपको एक ही बार में पूरे कंसेप्ट क्लियर कराने की मैं गारंटी लेता हूँ 101%। ठीक है, चैनल के साथ बने रहे। देखिए आपने, मैंने काफी सारी ट्रिकें, एलजेब्रा की ट्रिकें, द्विघात समीकरण, त्रिकोणमिति मैंने काफी पढ़ा रखा है, ऐसा नहीं है कि कुछ मैटर पढ़ा नहीं रखा, काफी मैटर पढ़ा रखा है, वहां से भी देख सकते हैं, ज्योमेट्री की भी कुछ वीडियो मैंने डाल रखी है, लेकिन मैं ज्योमेट्री को, एलजेब्रा को, त्रिकोणमिति को, सबको स्टार्टिंग से बिल्कुल जीरो लेवल से अपन स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। और साथ में सबसे अच्छी बात, पहले मैंने करेक्ट कंटेंट डाला था, क्वेश्चन नहीं कराया, तो आपको क्वेश्चन जैसे इसकी पीडीएफ मिली तो उसकी भी पीडीएफ मिलकर आप प्रिंटआउट निकालें, फिर मैं आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ पे हल कराऊंगा। आगे देखिए, जब एक आदमी का आय 6000 बढ़ जाती है, तो पहले आय उसकी कितनी थी, पहले आय उसकी कितनी थी x, और अब कितनी है उसकी x plus 6000। अब आगे बढ़े,
तो आयकर की दर पहले 18% थी, कितनी थी 18, मतलब टैक्स कितना दे रहे थे 18 दे रहे, 18% दे रहे थे, कितना ये टैक्स है बेटा, ध्यान रखना टैक्स कितना दे रहे थे हम 18%, ये बेटा आय है ना, पहले हम टैक्स 18% दे रहे थे, अब हम दे रहे हैं 15%, मतलब टैक्स की रेट कम हो गई है। अब दोनों स्थितियों में आयकर 25% मुक्त है, आयकर कितना मुक्त है 25% की छूट मिले दोनों ही स्थिति में, इसमें भी 25% की छूट मिल रही है और इसमें भी 25% की क्या मिले छूट मिल रही है, किसमें टैक्स में, ठीक है टैक्स में 25% की छूट मिल रही है, लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में वह समान आयकर चुकाता है, वो आयकर टैक्स कितना दे रहा है समान दे रहा है, छूट दे दिए दोनों में छूट सेम है, फिर भी वो आयकर सेम दे रहा है, चाहे उसकी सैलरी बढ़ गई है कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़े तो उसकी आरंभिक आय बताओ, तो देखिए आपकी आय कितनी थी एक्स थी, ठीक है आपका टैक्स की रेट कितनी थी 18% थी, अब 18% आपकी टैक्स की रेट है, सही है, मतलब 18% आप टैक्स भर रहे हो, अब आपने एक्स का 18% आपने टैक्स भरा, लेकिन आपने टैक्स चुका है ईमानदारी से और टाइम पर चुकाया है, तो गवर्नमेंट ने आपको कितने की छूट दे दी 25% की आपको छूट दे दी, तो 25% कम चुकाएंगे, सही, अगर 25% की आपको छूट दे दी है तो आप कितना चुकाएंगे, तो आप कहोगे सर 75% चुकाएंगे, है ना, तो 75% टैक्स भरेंगे अगर, ठीक है। अभी जरा देखिए अब आय कितनी आपकी एक्स प्लस 6000 और आपको अब टैक्स कितना भरना पड़ रहा है 15% भर रहा है, लेकिन आपने देखा ईमानदारी टाइम पे भर रहे हो तो 25% की गवर्नमेंट ने छूट दे दी, तो आपको कितना भरना पड़ रहा है 75% भरना पड़ रहा है। अब ये भी आयकर है ये भी आयकर है और दोनों आयकर आपस में क्या है बराबर है, क्योंकि उसमें सवाल ने बोला है बेटा 100 से आपका 100 कट गया, 100 से आपका 100 कट गया, 75 से आपका 75 कट गया, आगे काटो 3 6 18 और 3 5 15 अब गुणा कर दिए 6 × x तो आप कहोगे सर 6x, 5 × x तो आप कहोगे 5x प्लस में 6 5 30,000 सही है भैया 30,000। अब आप देखिए आगे 6 5x को इधर लाए तो क्या बचेगा बेटा x, तो x बराबर कितना आ गया आपका 30,000, ये आपका आंसर है कंप्लीट। तो आपसे प्रारंभिक आय पूछिए, प्रारंभिक आय आपकी x थी, x का मान 30,000 आ गया बेटा, कोई भी कहीं से कैसा भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है बिल्कुल, मैं वैसे डाउट क्लियर करते ही चल रहा हूँ आपका कोई मैं, लेकिन अगर फिर भी डाउट होता है एक बार रिपीट कर लें, क्योंकि देखिए ये चीजें आपको समझनी जरूरी है। नेक्स्ट देखिए अगला चलें, स्क्रीनशॉट लेते रहें टाइम टू टाइम, ठीक है क्योंकि टाइम अपने पास कम है, कंटेंट हमें ज्यादा पढ़ना है। आगे बढ़िए आगे बढ़िए, आगे सवाल है आपका, जब आदमी की आय 2000 बढ़ जाती है तो पहले आदमी की आय एक्स थी, अब हो गई एक्स प्लस 2000, कितनी हो गई बेटा एक्स प्लस 2000 हो गई, तो आयकर की दर 14% से घटकर 12% हो जाती है, टैक्स आयकर मतलब क्या होता है टैक्स ही होता है, 14% लग रहा था अब लग गया 12%, कम हो गया। दोनों ही स्थितियों में आयकर 20% और 30% क्या है मुक्त है, मुक्त मतलब फ्री है, तो 20% की यहां पर छूट मिल रही है टैक्स में और यहां पर छूट कितने की मिल रही है 30% की, पहले 20 है फिर 30 है, ठीक है, लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में वह समान आयकर चुकाता है, वो आयकर मतलब टैक्स समान चुका रहा है दोनों स्थितियों में, तो करेक्ट। तो देखिए x आपकी आय है, 14% आपको क्या भरना पड़ रहा है टैक्स, आपकी आय x है और x का कितना परसेंट टैक्स भरना पड़ रहा है 14% टैक्स भरना पड़ रहा है, लेकिन आपको 20% की छूट मिल रही है टैक्स में, तो आपको कितना भरना पड़ रहा है 80% टैक्स भरना पड़ रहा है, सही है। ऐसे यहां पर करेंगे x प्लस 2000, ठीक है कितना टैक्स भरना पड़ रहा है 12%, लेकिन आपको 30% की क्या मिल रही है भैया छूट मिल रही है, क्योंकि आप टाइम पे भर रहे हो ईमानदार आदमी हो, ठीक है 70%, ठीक है तो कितना भरना पड़ेगा 70% आपको भरना पड़ेगा, लेकिन दोनों ही स्थितियों में आप टैक्स कैसे भर रहे हो समान, मतलब रुपयों में समान भर रहे हो आप टैक्स, तो 100 से आपका 100 कट गया, 100 से आपका 100 कट गया, ठीक है। अब आगे काटें तो देखिए 0 से कट गया आपके बेटा 0 और काट लो 7 × 7 = 14 सही है। अब और काट दीजिए 4 × 12 और 4 × 8 तो कितना आया बेटा यहां पर 4x आ गया, यहां गुणा करो 3 को 3x प्लस में 3 × 2 = 6000 3x को यहां लाएंगे तो x बचेगा x बराबर आपका आ गया 6000 तो बताओ आपकी प्रारंभिक आय कितनी थी तो आप कहोगे सर 6000 थी ठीक है बेटा कोई भी बात समझ में नहीं आए तो आप बेफिक्र बेहया होके आराम से पूछ सकते हैं ठीक है बेहया मतलब आप बिना शर्म करें ठीक है नाइनटी फोर
जब एक आदमी की वार्षिक आय 5 लाख रुपए बढ़ जाती है, कितनी बढ़ जाती है 5 लाख रुपए बढ़ जाती है, तो आयकर की दर 12% से घटकर 10% रह जाती है। अब 10,000 रुपए अधिक आयकर देता है तो उसकी बढ़ी हुई आय क्या है? अब देखिए इसको, इस सवाल को करें या आप स्क्रीनशॉट लेते रहे ना टाइम टू टाइम, ना वेट नहीं करें, मैं इसके पीछे हट जाता हूं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए कि भाई आप स्क्रीनशॉट लोगे आपको उतारने का टाइम अभी तो नहीं मिलेगा। पहले आप वीडियो को पूरा देखें, ढंग से समझें, सीट को लेके बैठे, कॉपी पेन लेके बैठे, नोट्स बनाते रहें और कंटिन्यू पढ़ाएं, ठीक है। और मैं आपको कह रहा हूं कि आपको मैं ना एक सीरीज चलाऊंगा जिसके अंदर मैं 10,000 क्वेश्चन कराऊंगा जो एसएससी के होंगे, सारे आए हुए, सिर्फ एसएससी के, नन ऑफ अदर एग्जाम्स, मतलब अदर एग्जाम के किसी का नहीं होगा, केवल एसएससी की स्पेशल सीरीज चलेगी। फिर एक सीरीज मैं रेलवे के लिए चलाऊंगा स्पेशली, एसएससी के लिए, एक रेलवे के लिए, 10,000 क्वेश्चनों की दोनों की सीरीज, ठीक है। ध्यान रखें, बने रहें चैनल के साथ। आगे देखिए, जब एक आदमी की वार्षिक आय 5 लाख रुपए बढ़ जाती है, मान लो उसकी आय पहले थी बेटा एक्स, आय पहले कितनी थी एक्स, और अब बढ़ गई कितनी हो गई, अब 5 लाख बढ़ गई है ना, अब बढ़ गई है, ये पहले थी और अब कितनी हो गई, अगर आप पूछू तो कितनी बढ़ गई, 5 लाख बढ़ गई है, तो बताओ कितनी हो गई एक्स प्लस 5 लाख। देखिए 5 लाख को मैं लिख रहा हूं 5L, L मतलब लाख है ना, आप ये समझ लेना, ठीक है। अच्छा, पहले उसकी आय तक कितना देना पड़ रहा, टैक्स कितना देना पड़ रहा था, पहले उसको टैक्स देना पड़ रहा था 12% और अब वो दे रहा है 10%, ठीक है 10%। अब वो 10,000 रुपए अधिक आयकर दे रहा है, अब वो 10,000 रुपए अधिक आयकर दे रहा है, मतलब पहले जितना टैक्स दे रहा था उससे अब कितना ज्यादा दे रहा है, तो आप कहोगे सर 10,000 रुपए ज्यादा दे रहा है, कितना दे रहा है 10,000, तो बताओ पहले टैक्स निकालो आप कितना दे रहा था, तो आप कहोगे सर पहले दे रहा था एक्स का 12%, ये तो दे रहा था टैक्स, और अब कितना दे रहा है, अब पूछू कितना दे रहा है, तो आप कहोगे सर एक्स प्लस 5 लाख का 10%, अब इतना दे रहा है, सही है। तो इसमें टैक्स ज्यादा किसमें दे रहा है, तो कहोगे सर इसमें ज्यादा दे रहा है, किससे, इससे, किससे, इससे, पहले वाले से, तो कितना ज्यादा दे रहा है, तो आप कहोगे सर 10,000, इसका मतलब इस टैक्स में से इस टैक्स को माइनस कर दो तो कितना आएगा 10,000 आएगा, राइट, ठीक है। तो करते हैं एक्स प्लस 5 लाख का 10%, सही लिखा है ना मैंने, एक्स प्लस 5 लाख का 10% में से अगर मैं घटा दूं ये वाला टैक्स 12x, तो इनके बीच में कितना अंतर आएगा, तो इनके बीच में कितना अंतर आएगा, आप कहोगे सर 10,000 आएगा। 10,000 कहां से आया, समझ में आ गया, क्योंकि आपने बोला कि वो अब जो टैक्स है वो 10,000 रुपए अधिक भर रहा है, मतलब यहां पर ये टैक्स क्या है 10,000 रुपए ज्यादा है, किससे, पहले वाले से, ठीक है। आगे देखिए लघुत्तम बताओ कितना आएगा, तो आप कहोगे सर लघुत्तम आएगा 100 आएगा। अब देखिए 10 को गुणा करो 10x प्लस 10 × 5 50 लाख माइनस 12x का 12x, ठीक है, बराबर 10,000। अब बताओ ये 100 यहां पर गुणा होगा तो ये 10,000 है, और 10,000 को जब 100 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा 10 लाख बन जाएगा, कितना बन जाएगा 10 लाख, ठीक है। और ये देखिए 10x है और ये माइनस के 12x है, 10x में से माइनस के 12x गए तो माइनस के बचे 2x, बच गए 2x, प्लस में कितना लिख रहा है 50 लाख, 50 लाख। और मुझे बताइए 100 वहां तक गुना में होगा तो 10,000 गुना 100 होते हैं 10 लाख, सही है। अब मुझे बताइए इस 50 लाख प्लस का वहां जाके क्या होगा माइनस, तो माइनस के 2x बराबर माइनस के 40 लाख, सही है। और माइनस से क्या कट गया बेटा माइनस, तो x का मान कितना आया 20 लाख, तो 20 लाख रुपए उसकी पहले वाली आय थी, और बार वाली पूछे तो 20 + 5 कितना हो जाएगा 25 लाख, ठीक है। इसको हल करना आपको आना चाहिए, मैंने सबसे शॉर्टकट किया है, आप और देख लेना, अगर आप इससे भी शॉर्टकट कर सकते हैं तो, ठीक है, ओके बच्चों। ओके, कोई भी डाउट, कहीं से भी डाउट आप आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है, आप आराम से पूछ सकते हैं कोई भी, कहीं से, कैसा भी डाउट, ठीक है। आप अपने क्वेश्चन व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, मैंने व्हाट्सएप नंबर आपको दिए हुए हैं, थंबनेल पे लिखे हुए हैं 9956767667, आप अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं कोई भी, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, है ना। अगर आपको मैं जैसे मान लो मैंने सॉल्यूशन कर दिया और समझ में नहीं भी आया है तो आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कॉल करने का टाइम आप याद रखें शाम को 5 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक, इस बीच में आप कर सकते हैं, 5 से 8 के बीच में आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, पहले आपकी आई एक्स थी, पहले टैक्स 12% बनना पड़ा था, मतलब एक्स का 12% टैक्स बन रहे थे पहले,
अब उसकी इनकम बढ़ गई, तो इनकम बढ़ गई तो टैक्स भी क्या कहते हैं टैक्स ज्यादा लगेगा, तो एक्स प्लस कितनी बढ़ गई, 5 लाख बढ़ गई, लेकिन टैक्स की रेट 12 की जगह 10 लग रही है ना, तो लेकिन उसने बोला है एक्स प्लस 5 लाख का 10% आप टैक्स भर रहे हो, लेकिन उसने बोला कि अब वो 10,000 रुपए क्या भर रहा है, अधिक टैक्स भर रहा है, अब जो भर रहा है वो 10,000 रुपए अधिक टैक्स है, ये वाला टैक्स 10,000 रुपए क्या है, ज्यादा है, किससे, इससे, इस का मतलब है इसमें से इसको घटा दूं तो कितना आएगा, 10,000 रुपए आएगा, लघुत्तम नियम क्या आएगा बेटा 100, अंदर गुणा करो 10x, 10×5 50 लाख, माइनस का 12x का माइनस का 12x बराबर 10,000, 100 को इधर ले जाइए तो ये क्या हो गया 10 लाख, ठीक है, ये हो गया 10x में से 12x गए तो माइनस के 2x प्लस 50 लाख का 50 लाख, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या किया हमने, 50 लाख को उधर भेज दिया तो माइनस हो जाएगा, 10 लाख में से 50 लाख गए तो माइनस के 40 लाख, माइनस से माइनस कट गया, 2 का भाग दे दीजिए 20 लाख, तो आपकी पहले वाली इनकम कितनी थी 20 लाख थी, उसकी बढ़ी हुई आय बतानी है, बढ़ी हुई तो बढ़ी हुई आय आपकी कितनी होगी 5 लाख और बढ़ा दो तो कितनी हो जाएगी 25 लाख होगी, देखिये ये आपकी पहले वाली आय थी 20 लाख और 5 लाख बढ़ गई तो 25 लाख हो गई। इसी के साथ मैं विदा लूंगा, जय हिंद जय भारत, नेक्स्ट क्लास आपकी जल्द ही अपलोड होगी, ठीक है, जल्द से जल्द मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आपकी ज्यादा से ज्यादा क्लासें बनाई जाए, ठीक है, ताकि आपका टाइम पे कंप्लीट ये हो जाए। अब देखिए 95 से लेकर 119 तक ये सारे सवाल मैं कोशिश करूंगा एक ही टाइप के अंदर डाल दूं, नहीं डलती है, इन केस नहीं डलती है तो 2 क्लासे ऊपर हो जाएंगी, ठीक है, कोई ज्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है, और सबसे बड़ी बात अब आपकी कंटिन्यू क्लास रहेगी, कोई बीच में ऐसा नहीं है गैप होगा, कुछ नहीं होगा, कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी, कंटिन्यू आपका सिलेबस कराया जाएगा, कोई रोक टोक नहीं होगी क्लास के अंदर, कहीं नहीं रोकूंगा क्लास, ठीक है। परसेंटेज के बाद प्रॉफिट लॉस के बाद आपका पट्टा, डिस्काउंट के बाद, ठीक है, डिस्काउंट को कोशिश करूंगा मैं प्रॉफिट लॉस में ले लूं, लाभ हानि में, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, टाइम एंड वर्क पाइथन सिस्टम जल्दी।